हेलो दोस्तों, मैं इस समय महोबा रोड पर हूँ, सिद्धि विनायक धर्म कांटा। यहाँ पर एलम की गाड़ी आ रही है तो उसका कांटा करवाना था। एलम यानी फिटकरी जो हमारे फिल्टर प्लांट में डलती है, उससे पानी साफ होता है। तो अभी गाड़ी आ रही है, फिर उसका कांटा करवाते हैं, फिर उसको भेजते हैं WTP वाटर फिल्टर प्लांट में। तो दोस्तों, यह सिद्धि विनायक धर्म कांटा 100 टन की क्षमता है, यहाँ पर 100 टन तक का वजन हो सकता है। दोस्तों देखिए, एलम की गाड़ी है, एलम माने फिट करी। ये हमारे WTP में उतरती है पानी के फिल्टर प्लांट में, इससे पानी साफ होता है। इसका यहाँ कांटा करवा रहे हैं, देखते हैं कितना वजन है, उसके बाद इसको भेजेंगे WTP। देखिए इसका वजन है 44,120। अपने तो कम जाने वाला नहीं, हमने बताया था सर को, फतेहपुर के अंदर कोई भी कांटा तो मैं पता हो चाहिए भाई, हमने कहा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एलम खादी हो रही है वाटर फिल्टर प्लांट पचीर घाट में। ये धसान नदी के पास है, टीकमगढ़ रोड में, वहाँ पर खाली हो रही है गाड़ी अपनी। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि कल एलम की गाड़ी आई थी और उसको कांटा करा के भेज दिया था WTP खाली करने के लिए, आज खाली गाड़ी का कांटा होगा यहाँ पे। तो गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, गाड़ी आ रही है ट्रक, तो उसका कांटा कराएंगे, फिर देखते हैं कितना वजन है, कितनी मात्रा में एलम आया था, कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम सिद्धि विनायक धर्म कांटा के पास में खड़े हैं, ट्रक का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, गाड़ी आ गई है, बहुत इंतज़ार करवाया, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद गाड़ी आई है। अब इसका कांटा करवाएंगे, कितना वजन आया है। तो दोस्तों देखते हैं वजन कितना है। रखना बेटा, बहुत इंतजार करवाया आपने। वहाँ कांटे पे नहीं थे जब हमने फोन लगाया, वो कांटे वाला आ गया। हाँ, बात तुझे पड़ गई ना। चलिए कितना आया है यहाँ? 10,950 और 13,950। 13,950 है। देखते हैं पर्ची में कितना निकलता है। आप घटाओ, कितना आया? 30,170। मैं घट रहा तुम्हारा 4 क्विंटल 25 किलो। वाह वाह, ये है 30,170। ये वहाँ की है ना, हजरा वाले की। इसमें तो बहुत कम आ रहा है फिर। फिर हमने इसी के लिए तो कहा था, इसमें 29,710 आ रहा है। तब तो हम कांटा कराना आए थे। बहुत फर्क आया है। क्यों? हम तो पहले कह रहे हैं उनका खुद का कांटा, खुद का काम है, व्यापार से कोई मतलब नहीं है उन्हें। उन्हें अपनी पाउडर की गाड़ी से मतलब है, एक पट्टी में कर दिया। तो दोस्तों, पहले कांटा करवाया था हमने ढड़ारी में, खजराव धर्म कांटा, उसमें कम आ रहा था, उसके बाद यहाँ करवाया है। इसमें देखिए 30,170 बिल्कुल सही वजन आया है, 30 टन अपना फिटकरी था, जिसमें से 170 कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। तो अपना जो अपनी क्वांटिटी थी फिटकरी की, वो सही है। और ये जो भरी गाड़ी का वजन था, वो एक सेकंड, वहाँ का माल, भरी गाड़ी के वजन 44,120। वहाँ का माल देख लो आप, 30,135 वजन लेकर। और ये वहाँ का है जहाँ से मिर्ज़ापुर से इन्होंने भरवाई थी गाड़ी, 44,030। तो ये वहाँ का वजन है और ये यहाँ का, तो वजन बिल्कुल सही निकला है, कोई फर्क नहीं। 30,135 लेके आया था ड्राइवर, बता दो। 30,135 है, 30,170 निकला, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है।
तो दोस्तों कांटा तो सही है भैया, आपका कांटा बढ़िया है, बहुत अच्छा है और फिक्स वजन निकला है। जी भाई सब वजन सही निकलता है, कोई बात नहीं। कभी भी आप चला के गाड़ी साइड में लगा दे, कोई भी गाड़ी चला दो, चल रही दो हमारी बोल बना रहेगा ऐसे लेके जी, कोई भी गाड़ी चला दो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी आगे से आपके यहीं कांटा करवाने आए थे, पहले वहाँ करवाते थे हम, तो वहाँ भी पता चल गया है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है भैया, अभी आगे गाड़ी आएगी तो आप ही के यहाँ करवाएंगे। जी भाई साहब जब भी आप आए जी, मुलाकात होती है आपकी, अब हमारी जी कांटा कराए आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन कांटे में कोई हेडेक जी। नाम क्या लिखते हैं आप? नाम तो सर सुरेन सिंह यादव लिखते वैसे अपन। अच्छा हाँ, चलिए ठीक है सुरेन भैया, मिलते हैं फिर जी फिर नेक्स्ट गाड़ी में। तो दोस्तों ये तो सिद्धि विनायक धर्म कांटा है और यहाँ पे बिल्कुल फिक्स वजन निकलता है, कोई फ्रॉड पनी नहीं होती है। तो अभी हम ड्राइवर को देंगे रिसीविंग, जितना वजन निकला है उसके हिसाब से। वो हमारा बाबू है, ड्राइवर के पास चला गया है, उसको सुबह लेके आए थे, रो रहा था। कुछ ड्राइवर से भी बात करते हैं। बिल्टी वगैरह लेते आना। एक इसके लिए नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, इसके पुस्तक लेके आना पड़ेगा से लेते हैं। नहीं दीजिए भैया, बिल्टी दीजिए हमें। तो दोस्तों ये है एलम का बिल, इसमें 30 टन क्वांटिटी लिखी हुई है और हमारे वजन में भी उतना ही आया है, 30 170, कुछ ज़्यादा ही आया है 170। तो अभी हमको रिसीविंग देते हैं, उसके बाद इनसे थोड़ा बात करते हैं कहाँ के हैं क्या, इनका थोड़ा परिचय पूछेंगे। तो दोस्तों हमने रिसीविंग दे दी है ड्राइवर को और ये है ड्राइवर, इनसे थोड़ी कुछ बात करते हैं। तो ठीक है ड्राइवर साहब, और कैसे हैं आप? बढ़िया है। कैसा लगा हमारे यहाँ का छतरपुर? नहीं बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं आप? महोबा के हैं, पूरा मोहल्ला। अच्छा, ये कहाँ से भर के लाए थे आप फिटकरी? आए हैं घाटमपुर से, बनारस के पास पड़ता है। अच्छा, और फिर कभी आएंगे यहाँ पे? नहीं नहीं आएंगे सर, आएंगे आपके यहाँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली बार आप आओगे तो मिलेंगे यहीं पे। कांटे वाले, तो दोस्तों ये हमारे कांटे वाले भैया है, यहाँ पे काम करते हैं। कब से काम कर रहे हैं आप? जी सर काम तो अभी मैं 2-3 माह से कर रहा हूँ, तो उनका बहुत पुराना आदमी है। अच्छा, कांटा है जिनका। हाँ, तो मान लो अभी बैठने लगा 2-3 माह से, कोई लड़का नहीं था उसके साथ। अच्छा, तनख्वाह वगैरह ठीक ठाक मिलती है? हाँ तनख्वाह तो सही मिलती है अपन को, अपन मान लो तनख्वाह का सब कुछ दिए हैं वो अपने हिसाब से, मान लो नहीं माना तो माँ बाप की तरह है, ऐसा सब कुछ दिए है अपने हिसाब से, रहते हैं खाते पीते उनकी कंपनी में काम करते। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो फिर ठीक है, तो भाई मिलते हैं फिर बिल्कुल अगली बार। ठीक है उस्ताद, चलते हैं। चलिए चलिए, ओके बाय। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं घर, और हमारा कांटा हो गया है, रिसीविंग भी दे दी है, वजन भी ठीक ठाक निकला है, और ये है सिद्धि विनायक धर्म कांटा, अभी हम घर चलते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में, और बाय कर दो, बाय करो। ठीक है दोस्तों, बाय।
मिलते हैं अगले ब्लॉग में।